मिनट में आपका मैं राजवीर आपके सामने इंटरसेप्टर 650 मोडिशन दिखाने वाला हूं। इसके अंदर देख सकते हैं ये लगा देगा इसके अंदर वाइजर, पहले इसके अंदर छोटा वाइजर लगा रखा था भैया ने, बट लुकिंग जो आती है वो बड़े से आती है, जैसे देख सकते हो आप। और इसके अंदर आप कुछ भी आप चैनल का नाम वगैरह कुछ भी आप लिखवा सकते हो, राइडर्स लोग होते हैं उनकी सबसे नीडफुल होती है, और ना विंड को काफ़ी कंट्रोल करता है आपके। और साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर देखते हैं हैंड गार्ड, बर्फ वर्ष हैंड गार्ड ये भी इसके अंदर लगा देगा दोनों तरफ, इससे आपके लीवर और हैंड दोनों होते हैं प्रोटेक्ट। और साथ में इसमें देखने मिलेगी इसके अंदर हेडलाइट ग्रिल, देख सकते हैं ये भी इंटरसेप्टर ओरिजिनल जो लगा दी गई इसके अंदर। और नीचे आपको देखने मिलेगा इसके अंदर सम गार्ड जो कि आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का भी लगा दिया है इसमें आपका, आप चाहो तो स्टील का भी आपको मिल जाता है क्रोम वाला, वो भी अपने अवेलेबल है। और इससे आपको ऑयल फिल्टर होता है पूरी तरह कंट्रोल। और इधर मिलेगा आपको रेडिएटर गार्ड जिससे रेडिएटर होता है पूरी तरह सेफ, ये भी आपका लगा देगा स्टेनलेस स्टील वाला। और आप साथ में देखने इसके फॉग लैंप, ये आपके HJG ओरिजिनल 3 फ्यूचर है, ये इसके इंस्टॉल कर दी गई है। लुक चेकआउट कर लो और देख लो इसकी रोशनी, देखिए ये आपकी होती है येलो, ये होगी आपकी वाइट, येलो वाइट रोशनी काफ़ी अच्छी है इसकी। और जब नाइट में निकलेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रोड प्रेजेंटेशन होने वाली है इसको लगाने के बाद। और इसको चलाने के लिए इसके अंदर मिलता है आपको देख सकते हैं मेटल वाला बटन, लुक चेकआउट कर लो इसकी, ये मेटल वाला बटन है जो कि इसके अंदर देख सकते हैं आप, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। और जो इसकी फिटमेंट होती है वो उसकी कर दिया क्लैंप से, ये आते हैं CNC वाले क्लैंप, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, इससे आपकी प्रॉपर फिटमेंट हो जाती है। अदरवाइज़ इसके अंदर होल करके कोई फ़ायदा नहीं होता, लगने को लग जाता होल करके लेकिन उससे आपका लेग गार्ड ख़राब हो जाता है, तो इस केस में इसके अंदर प्रॉपर फिटिंग के क्लैंप भी लगा देंगे। और अब आते हैं बैक साइड, देखिए बैक साइड मिलेंगे, पहले आपको सैडल स्टे देख सकते हैं, ये प्रॉपर सैडल स्टे है जो कि आपके प्रॉपर फिटमेंट के लगा देंगे। इसे लगाने से सबसे पहले तो आपकी लुक इनहेंस हो जाती है, इसके साथ में ना इसमें सैडल बैग वगैरह कुछ भी आप चाहो तो इसके अंदर लगा सकते हो, और पैनल्स भी आप इसके अंदर ईजिली लगा सकते हो। और इसके अंदर साथ में देखने मिलेगा आपको टॉप रैक विद बैक रेस्ट, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। जब भी राइड करेंगे तो राइड करने के बाद क्या होगा, सामान वगैरह कैरी करने में काफ़ी ज़्यादा नीडफुल होने वाला है आपके टॉप रैक और बैक रेस्ट। पता ही आपको प्रीराइडर जो भी बैठेगा उसको सेफ फील होगा पीछे, क्योंकि जब भी ये बड़ी गाड़ी भागती है ना तो भागने से क्या होता है ज़्यादा प्रेशर के अंदर बंदा गिर ना जाए, तो इस केस में बैक रेस्ट भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है इसके अंदर। साथ में वो मिलते हैं इसके अंदर रियर फुटरेस्ट, देख सकते हैं बैक साइड में ये भी, और इस साइड देखने को मिलेगा आपको दोनों तरफ, ये लगा देंगे रियर फुटरेस्ट जिससे कि वैसे तो इसकी वजह से ढक गया, अच्छा जब कभी हटेगा तो इस पर साइलेंसर भी निशान वगैरह नहीं आएगा, इसे कोई भी प्लेन राइडर बैठता है उसके बाद। और पीछे बैक साइड में देखने को मिलेगा आपको इसके अंदर, देख सकते हैं ये इसका टायर वगैरह है, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। इससे लगाने से जो डस्ट वगैरह होती है वो कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि भैया ने इसको मरगाड़ था वो हटवा रखा है इसलिए। साथ में जब राइड होती है ना तो राइड करते हुए पीछे वाले को जो पीछे चल रहा होता है उसको पता नहीं होता कि बाइक आगे चल रही है, ये रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं जिससे आपका रिफ्लेक्टेशन हो जाए कि भैया गाड़ी आगे को जा रही है, तो ये रिफ्लेक्टर जो होता है रिफ्लेक्शन कर देते हैं, तो ये इसके अंदर पूरा कर दिया गया इंस्टॉल्ड। और अब यहाँ पर आकर इसकी तो हो गई मॉडिफिकेशन कम्प्लीट, अब मैं मिलाना चाहूँगा भैया, जिन भैया की बाइक है उनको हमारा काम कैसा लगा। हेलो सर। हेलो भाई। सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। बताइए। और सर बताइए आपको मतलब कैसा लगा हमारे पास एक्सपीरियंस जो काम करवाया आपने? काम एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो मतलब अगर मैं सामान के लिहाज से बताऊँ तो सामान बहुत अच्छा आपने लगाया, क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लस प्राइस बहुत जेन्युइन है, प्लस मैं जितनी देर बैठा आपने मुझे ठंडा पानी दिया, कोक दी तो व्यवहार आपका बहुत बढ़िया है, आपका सामान बहुत बढ़िया है, मैं खुद भी अपने दोस्तों को रेकमेंड करूंगा। आपका भी कोई चैनल हो तो ग्रुप पर वो डाल सकते हैं आप अपने, मतलब बता सकते हैं जो कि लोग जो आपसे जुड़ना चाहें ये राइडिंग के दौरान तो आप वो ज्वाइन कर लें। वो मेरा जो चैनल है वो उसी का ही है, क्या नाम है, रॉयल इनफील्ड का, उसी की मेंबरशिप है मेरे पास। तो हमारे ग्रुप में ओवरऑल साउथ का जो ग्रुप है हमारा, साउथ ईस्ट का ग्रुप है, उसमें 20 से 25 लोग हैं। नाम तो बता दें, कोई बात नहीं, ग्रुप पे क्या दिक्कत है चैनल? ग्रुप का हमारा नाम है उड़ान 30। उड़ान 30 सर के ग्रुप का चैनल है। और आप 9 तारीख को भैया श्रीनगर जा रहे हैं, अगर किसी जॉइन करना श्रीनगर के अंदर तो वो कर ले, क्योंकि ये 9 तारीख को वीडियो शायद डलने वाली है नहीं, बाद में डलेगी, क्योंकि बहुत सारा बिजी शेड्यूल होता है और वीडियो बहुत सारी होती हैं, 50-60 वीडियोस ऑलरेडी पहले पेंडिंग होंगी, तो पता नहीं इसका नंबर कब आएगा, बट ज्वाइन करना कर सकते हो भैया को श्रीनगर के अंदर। ऑल ओवर सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल सर। कोई आना चाहे तो क्या रिकमेंडेशन रहेगी आपकी? रिकमेंडेशन बिल्कुल सर, मैं आपका नाम और नंबर दे के भेजूंगा किसी को भी कि करोल बाग जाना है तो इन्हीं के यहाँ जाना है। चलो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो आपको भी और ऐसे कोई मॉडिफिकेशन कराना तो आपको आना क्या है, राजू भाई SKT जो कि मिलेगा आपको करोल बाग के अंदर, और मिल जाएगा बैक साइड में आपकी 36 नंबर के लिए, और जो फ्रंट का जो है बैक साइड के लिए दिखा रहा हूँ आपको, फ्रंट के अंदर मिलेगी आपको RS Maj Road और हनुमान जी की मूर्ति का ज़्यादा ध्यान दें, एक मिलेगी आपको यहाँ पर और एक मिलेगी आपको गोल चक्कर हनुमान जी की मूर्ति जो कि मिलेगी जंडवल मेट्रो स्टेशन पर, इतना ध्यान दो। बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है, नंबर फ्लैश ऊपर है, लोकेशन सब डली हुई है, एड्रेस भी डला हुआ है, कोई भी आना चाहे तो आ सकता है आपके अपने राजू भाई के पास कोई भी मॉडलिंग कराने के। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक, जब तक जश्न, गुड बाय।